हम लोग तो राम राज चाहते हैं, मगर ये लोग नफरत परोसना चाहते हैं। चलिए ना, नहीं सुनने भीड़ में नहीं सुनने। चलिए हमारे लोकसभा का चुनाव, हमारे नेता अगर चाहेंगे तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। मनोहर यादव सांसद हो गए और 2024 में 2,00,000 मतों से बीजेपी को हराएंगे। यात्रा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है सर इस बार? आज की यह जनविश्वास महारैली तमाम रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। लालू यादव तेजस्वी यादव राबड़ी देवी महागठबंधन जिंदाबाद होगा। नफरतवाद संप्रदायवाद हारेगा। नफरतवाद संप्रदायवाद के ताबूत में आज यह रैली किल साबित होगा। समाजवाद जीतेगा, समाजवाद झंडा बरदार होगा। संविधान की रक्षा हर संभव पर हम लोग करेंगे, आज यह रैली साबित करेगा। ऐतिहासिक सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कल प्रधानमंत्री के रैली में कहा कि 400 से अधिक प्रधानमंत्री। अच्छा नीतीश कुमार जी क्या क्या कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कब कब पलट जाते हैं, फिर रैली से होकर गए हैं वो कब पलट जाएंगे? अब उनके पास रहा ही है क्या जो उनकी बात लोग सुनेगा? लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। अच्छा तो वो तो मिट्टी में मिल रहे थे, मौत को स्वीकार कर रहे थे, मिट्टी में मिले फिर भी उधर गए, इसलिए अब उनके साथ कुछ रहा नहीं है। जदयू 2024 से पहले ही खत्म हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। जय श्री राम का नारा लगाइएगा। कौन? भगवान राम जी, भगवान राम जी हर घर में हैं, हर खंभे में हैं, घट घट में हैं। इसलिए ये जिंदाबाद लगाने वाले जो लोग हैं, राम को बेचने वाले लोग हैं, वो नफरतवादी संप्रदायवादी लोग हैं। हम लोग तो राम राज चाहते हैं, मगर ये लोग नफरत परोसना चाहते हैं। चलिए ना, नहीं सुनने भीड़ में नहीं सुनने। चलिए निश्चित तौर पर देखिए, वो फिर से चंद्रशेखर के सूर बदल गए। एक समय में वो फिर से चंद्रशेखर श्री राम प्रभु के नाम से चिढ़ते थे और रामायण के नाम पर होंगे। हालांकि और भी ऐसे ऐसी बातें जो है आपको इस रैली में सुनने को मिलेगा और देखने को मिल सकता है। यानी आप इस रैली को इस तरह से दावा किया गया है कि इस रैली में जो है तमाम नेता जो है बहुत झूठ करके जो है इस रैली को कामयाब बनाएंगे। बिहार में आप तेजस्वी मॉडल चलेगा, बिहार के नौजवान, बिहार के बेरोजगार, बिहार के गरीब, बिहार के किसान ने देख लिया कि 17 महीना में जो तेजस्वी जी करके दिखाए बीजेपी और नीतीश बाबू 17 साल में नहीं कर सके। इतनी बड़ी लकीर खींच दिए कि उस लकीर को पार करना इन लोगों के बस की बात नहीं है। अब बिहार के लोग शिक्षा और रोजगार की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे और विकास तेजस्वी यादव के द्वारा है। लेकिन एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव उधर जनविश्वास यात्रा पर थे, इधर उनके विधायक ही उनसे अलग हो रहे थे, उनसे नाराज। जो बीजेपी का पुराना कुकर्म है, जो काम है वही तो कर रहा है। लोगों का लोगों को खरीद बिक्री करना, लोगों को डराना धमकाना, लोगों को लोभ देना, ये तो बीजेपी का पुराना आदत है। कई राज्य में विधायक तोड़ करके जबरदस्ती सरकार बनाए। खगड़िया से तो एनडीए का वहाँ से सीट है, क्या लग रहा है इस बार लालटेन जलेगा वहाँ? बिल्कुल लालटेन जलेगा, लालटेन पूरे बिहार जलेगा और खगड़िया में तो निश्चित जलेगा। सीट फिलहाल जो है एनडीए के खाते में है, तो कैसे आप लोग वहाँ से? हम लोग इस बार लालटेन को वहाँ जलाएंगे और पूरा बिहार का जनता इस बार लालटेन जलाने के लिए तैयार है। लालटेन ही लालटेन, बिल्कुल राजनीति में हमारे लोकसभा का चुनाव, हमारे नेता अगर चाहेंगे तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। मनोहर यादव सांसद हो गए और 2024 में 2,00,000 मतों से बीजेपी को हराएंगे। नरेंद्र मोदी आए भविष्य बताएगा कि मनोहर यादव को पार्टी टिकट देती है या नहीं।
लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मनोहर यादव इस बार खगड़िया से जीत दर्ज करेंगे। हालांकि जिस प्रकार से इस महागठबंधन की इस रैली में कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इसे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो रैली है तेजस्वी यादव ने जैसा दावा किया है कि ऐतिहासिक होगा, सचमुच में जो उनके कार्यकर्ता हैं वह ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं।